हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं कमल यादव और आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु। आज हम बात करने वाले हैं हमारी डाइट के बारे में। जैसे हमने आपको बताया था पिछले दो एपिसोड में कि हम आपको फुल एक्सप्लेन करेंगे डाइट को, कि हम कैसी डाइट ले रहे हैं इस कटिंग सीरीज में आयुष की जो डाइट है। पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा, इसकी जो डाइट है इसके वेट के अकॉर्डिंग है। इसका कितना वेट है उस अकॉर्डिंग उसकी मात्रा हमने तय की है। हम आपको फूड्स बताएंगे, आपको बताएंगे कि किस टाइम पे क्या लेना चाहिए। क्वांटिटी आपको आपके वेट के हिसाब से फिक्स करना है। हम आपको शेड्यूल भी दिखाने जा रहे हैं, प्लस हम आपको वो भी दिखाएंगे जो जो सप्लीमेंट आयुष यूज़ कर रहा है, जो सप्लीमेंट आयुष यूज़ कर रहा है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। वो भी आपको फुल एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हैं और किस समय ले रहे हैं। तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए आयुष से, कि अभी हम जो डाइट ले रहे हैं कटिंग सीरीज में हमारी जो डाइट चल रही है, तो सबसे पहले हमारा मॉर्निंग से देखो, आपका वर्कआउट शेड्यूल बहुत डिपेंड करता है कि आप सुबह वर्कआउट कर रहे हैं, शाम को वर्कआउट कर रहे हैं, उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत इसमें हेर फेर कर सकते हैं कि आपको डाइट में क्या चेंजेस करने हैं, वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे तो बात करते हैं सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन की। तो मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले उठकर हमको क्या लेना चाहिए, वार्म वाटर, गर्म पानी लेना चाहिए। गर्म पानी कम से कम 1 से 1.5 लीटर तक आपको उठते ही गर्म पानी लेना है। अब 1 से 1.5 लीटर पानी आप एक साथ तो पी नहीं पाओगे, तो शुरुआत में 1-2 ग्लास से स्टार्ट कीजिएगा। धीरे 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 वो उस कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, 1 से 1.5 लीटर तक आपका गर्म पानी चले जाएगा। उसके बाद हम करेंगे 40 मिनट्स का कार्डियो। हमको पानी पीने के बाद डायरेक्ट हमको आप फ्रेश फ्रेश हो जाइए, फ्रेश होने के बाद आप जाइए कार्डियो पे। तब आपको कोई भी सप्लीमेंट यूज़ नहीं करना है, किसी भी तरह का प्री वर्कआउट मील भी नहीं लेना है, बिल्कुल खाली पेट जाना है आपको। तो आपको कम से कम 40 मिनट का कार्डियो कीजिए। आप कार्डियो में साइकिलिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, या फ्लोर कार्डियो कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा टाइम मिलता है, कहाँ करना है, जिम में करना है, घर पे करना है, या फिर आउटडोर करना है। आप 40 मिनट का एक कार्डियो सेशन जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपका जैसे इसका मॉर्निंग शेड्यूल है कि मॉर्निंग में वर्कआउट करता है तो फ्री ये लेता है प्री वर्कआउट मील। प्री वर्कआउट मील में क्या लेते हो आप? प्री वर्कआउट मील में मैं ओट्स लेता हूँ। ओट्स इसके वेट के अकॉर्डिंग 40 से 50 ग्राम ओट्स लेता है। जो रॉ प्लेन ओट्स रहती है, मसाला ओट्स यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे लड़के गड़बड़ कर देते हैं, मसाला ओट्स यूज़ कर लेते हैं या फ्लेवर्ड ओट्स यूज़ करने लग जाते हैं। प्लेन ओट्स लेना है आपको पानी में, उसको गर्म पानी में बनाकर प्लेन ओट्स लिया आपने, और उसको लेने के कम 1 घंटे के बाद आपका वर्कआउट स्टार्ट करना है आपको। आपकी मसल ट्रेनिंग करने के बाद आपकी पहली मील क्या होगी? पहली मील में तो सबसे पहले प्रोटीन लेते हैं, वे प्रोटीन। उसके बाद राइस एंड 7X, अंडे और राइस। क्या है कि कार्ब और प्रोटीन का एक कंप्लीट मील चाहिए होता है हमको वेट ट्रेनिंग के बाद पे। तो एक तो वे प्रोटीन लेंगे वेट ट्रेनिंग के जस्ट बाद। उसके बाद हमारी पहली मील होगी करीब 60 से 70 ग्राम 80 ग्राम राइस और 6 से 7 अंडे का व्हाइट पार्ट, ठीक है, एंड सलाद। सलाद का ध्यान रखना है, दिन में कितनी बार लेना है? 4 से 5 बार। 4 से 5 बार सलाद लेना बहुत जरूरी है ताकि आपकी बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर चले जाए। सेकंड मील हमारी इसी को डिवाइड करेंगे, सेम रहेगी पर उसमें प्रोटीन का सोर्स चेंज कर रहे हैं। उसमें भी हम 50 से 60 ग्राम राइस ले सकते हैं। जैसे हम 150 से 200 ग्राम हम टोटल राइस लेंगे, 200 ग्राम राइस लेंगे तो उसको 2 से 3 बार में डिवाइड कर सकते हैं। बाकी काप को दिन 3 बजे के पहले पहले ही 3 बजे के पहले लेना है। तो पहली मील हो गई हमारी 60 से 70 ग्राम राइस और 7 अंडे। सेकंड हमारी 2 से 3 घंटे बाद रहेगी, वही 60 से 70 ग्राम राइस लेंगे हम और चिकन 300 ग्राम चिकन लेंगे हम और 60 से 70 ग्राम राइस लेंगे। सलाद हर बार आपको कंपलसरी ऐड करना। एक मील हमारी 3 बजे जाएगी, जो हमारा राइस बचता है, जो हमारा काब बचता है। जैसे हमने 150 ग्राम काब ले चुके हैं ऑलरेडी, 50 ग्राम काब बचा हुआ है, तो हम 3 बजे के समथिंग 50 ग्राम काब लेंगे और उसके साथ आप 5 से 6 अंडे ऐड कर सकते हैं। अब जाते हैं 3 बजे के बाद आपका काब बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब जाते हैं शाम को आपका 40 से आपको अगर कोई अब मसल ग्रुप करना चाहते हैं, मेरी सजेशन में तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बॉडी अच्छी है या आपके वीक पॉइंट पे काम कर सकते हैं, जो आपकी मसल्स में आपका वीक पॉइंट है उस वीक पॉइंट पे काम करना है। प्लस आपको फिर 30 से 40 मिनट का कार्डियो करना है। कार्डियो करने के बाद आपको सबसे पहले क्या लेना है? कार्डियो करने में
कार्डियो करने के बाद सबसे पहले प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन, प्रोटीन के बाद आपकी जो लास्ट मील होगी वो लीन प्रोटीन होगी। तो आप 300 से 400 ग्राम बॉयल चिकन ले सकते हैं, चिकन या एग्स, या एग्स ले सकते हैं, या फिश, या फिश आप बॉयल चिकन ले सकते हो, एग्स ले सकते हो, 7 से 8 अंडे ले सकते हो, और या फिर आप वही 300 से 400 ग्राम फिश भी ले सकते हो। याद रहे आपको उसको ऑयल में नहीं बनाना है, उसको ग्रिल करना है, ग्रिल करके लेना है आपको। अब बात करते हैं कि ये तो आपका डाइट हो गई, सिंपल डाइट है। आपको प्लेन कार्ब्स लेना है, किसी भी प्रकार का कार्ब आप ऐसा ना ले कि आपको बॉडी को ज़्यादा सॉल्ट चले जाए, ज़्यादा नुकसान दे। नमक आपको लिमिटेड मात्रा में यूज़ करना है, जो आपके फूड में डल रहा है उतना। नमक को बंद नहीं करना, एक बात का ध्यान रखना है, नमक आपकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको क्रैम्प वगैरह आएंगे। अभी हमारे साथ ऐसा हुआ था कि जो मसल लगा रहे थे उसमें इसको ज़्यादा क्रैम्प आ रहा था, हमको इसको एक्स्ट्रा अलग से जो पिंक सॉल्ट आता है वो थोड़ा सा पानी में मिला के देना पड़ा। तो वो हम बीच बीच में हमको इसको देना पड़ता है ताकि क्रैम्प वगैरह ना आए। तो ये हो गया आपका वर्कआउट का शेड्यूल। ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं वर्कआउट के पहले, दोनों बार यूज़ करें, अच्छी बात है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगी वो, और आपको वर्कआउट में फोकस भी रखेगी, आपका वर्कआउट में फोकस भी रखेगी। अब बात आई सप्लीमेंट की, देखिए लीन प्रोटीन लेना है चिकन, अंडे और फिश, और लीन कार्ब लेना है राइस, ओट्स, आलू ऐड कर सकते हैं। बाकी क्वांटिटी आपकी 200 ग्राम है तो 200 ग्राम में आप आलू ऐड कर सकते हैं, राइस ऐड कर सकते हैं, या ओट्स ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके सप्लीमेंट की बात करते हैं कि सप्लीमेंट में हम इसको क्या क्या दे रहे हैं। तो एक तो चीज़ है वे प्रोटीन, वे प्रोटीन दे रहे हैं। दूसरा बी सी डबल ए दे रहे हैं। तीसरा ओमेगा थ्री, फिर मल्टीविटामिन एंड लीफ 52। तो हमारा जो सप्लीमेंट है, देखिए एक इसमें मैं बता देता हूँ आपको, सारी चीज़ें आपके पॉकेट के हिसाब से डिपेंड करती है कि आपको सप्लीमेंट आपकी पॉकेट के हिसाब से खरीदने हैं। ज़रूरी नहीं है आप प्रोटीन का एक अगर काउंटिंग करेंगे तो आप इसमें भी कर सकते हैं, विदाउट प्रोटीन भी कर सकते हैं, मगर चूंकि कॉम्पिटिशन के लिए हम बॉडी को तैयार कर रहे हैं, एक एथलीट अगर कॉम्पिटिशन के लिए जा रहा है तो उसको ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम सबसे पहली बात करें, जो मेन आपका सोर्स होना चाहिए आपके पास, जो मतलब दो चीज़ों में भी आपका काम चल सकता है, क्रिएटिन और प्रोटीन। बाकी चीज़ें आप नहीं भी करें, बाकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, जैसे आपका वे प्रोटीन और क्रिएटिन हो गया। क्रिएटिन तो हम इसको दे नहीं रहे, ऑलरेडी चिकन वगैरह ले रहा है अच्छे से, तो क्रिएटिन की कोई आवश्यकता है नहीं, तो प्रोटीन दे रहे हैं। प्रोटीन के बाद इसका चलता है BCAA, जो इंट्रा वर्कआउट, या तो BCAA ले सकते हैं या फिर ग्लूटामाइन ले सकते हैं, दो में से एक कोई सा भी इंट्रा वर्कआउट आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी इमीडिएट मसल रिकवरी में भी काम करता है और आपका जो मसल लॉस का खतरा है उसको भी कम करता है, क्योंकि हम लंबा वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल लॉस का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हम कैलोरी डिफिशिएंट में रहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक गूगल पे मीटर आता है, कैलकुलेटर मिलेगा आपको, उस पर आप अपना वेट हाइट वगैरह डालेंगे, आपकी एक्टिविटीज़ डालेंगे, तो आपकी एक मेंटेनेंस कैलोरी वो बता देगा, उससे आपको 500-700 कैलोरी कम लेके चलना है। वो किस हिसाब से कम लेके चलना है, आपकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से। सप्लीमेंट में मैंने दो चीज़ बताई, वे प्रोटीन, BCAA। अब जाते हैं छोटे छोटे सप्लीमेंट पे, ओमेगा थ्री यानी फिश ऑयल, आप चाहे तो इसको नेचुरल तरीके से भी ले सकते हैं, फ्लेक्सीड वगैरह लीजिए, फिश वगैरह खा रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ मल्टीविटामिन, हम जो मल्टीविटामिन लेते हैं शायद 30 से 35 रुपये का था, 35 रुपये का मल्टीविटामिन आता है, वो आपको 1-1.5 महीना पुर जाएगा, आप मेडिकल से जाके ले सकते हैं, नाम में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दूसरी चीज़ लेते हैं हम लीफ 52, हिमालय की आती है 100 से 150 रुपये, 100 से 150 रुपये की आती है हिमालय की लीफ 52, जो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छी रहती है, आप एक टेबलेट वो भी ऐड कीजिए। तो ये है हमारा सप्लीमेंट स्टॉक जो हम यूज़ कर रहे हैं, और आपको डाइट बताइए कि क्या डाइट हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप की कोई क्वेश्चन इसमें बनता है कि इसको कैसे लेना है, क्या करना है, या किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है आपका, तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपको सारी चीज़ें आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लीव 52 आप खाने के बाद ले सकते हैं, ओमेगा 3 नाइट में, तुम्हारा मल्टीविटामिन आप खाने के बाद ले सकते हो, लंच या डिनर के बाद ले सकते हो, रही BCAA, इंट्रा वर्कआउट लेना है, प्रोटीन वर्कआउट के बाद लेना है, एक दोनों जैसे दोनों टाइम वर्कआउट चल रहे तो वर्कआउट के बाद लीजिए, अगर एक टाइम वर्कआउट कर रहे हैं सुबह वर्कआउट कर रहे हैं सुबह एक बार लीजिए, शाम को सोते समय एक बार वे प्रोटीन ले लीजिए। आपका वे प्रोटीन का जो अमाउंट है वो कम्प्लीट हो जाना चाहिए कि भैया हमें इतना प्रोटीन वे प्रोटीन चाहिए, तो उतने क्वांटिटी उसकी कम्प्लीट हो जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में,
और आपकी जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे और कंटिन्यू बने रहेंगे आपके साथ। अगले एपिसोड में अच्छे से वर्कआउट दिखाएंगे कि कैसा कैसा वर्कआउट किया जाता है, कैसे ड्रॉप सेट, कैसे गेन सेट लगाते हैं, कैसे जॉइंट सेट लगाते हैं। कोशिश करेंगे आपको कटिंग का वर्कआउट दिखाने का और आपके जो वो मसल जिस जो वीक है उस मसल्स पे काम करने के तरीके को ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।